और जो लोग उन्नति करना चाहते हैं लेकिन उन्नति फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो छह चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की उन्नति में बाधक होती है। खड़दोषा पुरुषेड़े हातव्याम भूतमिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो लोग उन्नति करना चाहते हैं और फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उन्नति न होने का कारण ये छह बातें होती हैं। कौन कौन? नंबर एक, अति निद्रा, जो बहुत सोते हैं, खूब सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, गाड़ी में भी सोते हैं, और सत्संग में जाकर वहाँ भी सोते हैं, और जहाँ देखो तहाँ सोते हैं, दुकान पर सामान खरीदने जाते वहाँ भी थैला पकड़े पकड़े सोते हैं, जिनको बहुत नींद आती है, खूब निद्रा है जिनके पास में, भयंकर कुंभकर्ण के बाप है, वो लोगों की उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि अधिक सोने से जब तुम जागते हो ना, तुम्हारे शरीर के जागने के बाद भी 2-3 घंटे तक तुम्हारा दिमाग नहीं जागता है, वो सोता रहता है, और 3 घंटे बाद तुम फिर सो गए तो दिमाग तो जाग ही नहीं पा रहा है। इसलिए बहुत सी महिलाएं भी बहुत सोती हैं, सुबह उठती हैं, झाड़ू बोहरू किया, बर्तन धोया, 10 मिनट में भोजन बनाया, पति को खिलाया, विदा किया, टिफिन दिया, बच्चे को विदा किया, और बस फिर गीत गाया कि बिस्तर तो हो जा तैयार। बिस्तर तो हो जा तैयार, तो मैं निर्मला देवी आता हूं, बस कुंडी बंद कर लिया, 3 घंटे सोती रही, पति को आना है 5 बजे, तो 4 बजे उठ गई। पति सोचता है बहुत सिस्टम संभाल रही होगी, उठ के फिर सब बाल्टी वाल्टी बजा दिया, बर्तन खड़बड़ा दिया, पति सोचता बहुत काम कर दिए, चतुर है खिलाड़ी। लेकिन अगर रात में तुमने देर तक काम किया है तो दिन में भी थोड़ा सो सकते हैं, फिर बुरा नहीं। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा सोना, 8 घंटे से ज्यादा सोना, जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो। 6 घंटे से कम सो रहे हो तो शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे बस, और 7 घंटे तो सबसे सफिशियंट है, अच्छा है। अधिक सोने वालों की उन्नति रुकती है, उनका भाग्य भी सो जाता है, और जिनको ज्यादा नींद आती है उनका एक तरीका बताता हूं, ऐसे किया करो, हर घंटे में 5-5 बार सांस खींच लिया करो, धीरे से निकाला करो, खींचो जोर से, निकालो धीरे से, और थोड़ा पानी पी लिया करो, आधा गिलास पानी पी लो हर आधा घंटे में, आपकी सुस्ती उदासी भागेगी। और जिनको हमेशा चेहरे पर उदासी रहती है, उसका कारण है वह जरूरत से ज्यादा भोजन खाते, इसलिए चेहरा उनका माटी का धोंधा जैसे लगता है। जरूरत से ज्यादा एनर्जी पहुंच गई है, ओवरडोज एनर्जी पहुंची है, अब वो एनर्जी दिमाग में गर्मी भर रही है, इसलिए उदासी रहती है। भोजन कम लीजिए, चबा चबा कर लीजिए, पालक की सब्जी लीजिए ताकि पेट साफ रहे, थोड़ा पपीता लीजिए पेट साफ रहे, थोड़ी गाजर खाइए पेट साफ रहेगा, थोड़ी मूली खाइए पेट साफ रहेगा, ज्यादा खाइए तो पेट ही खत्म हो जाए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जामफल खाइए, महीनों भर की जाम निकाल दे, जामफल भी फायदा करेगा, केला खाइए कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा, चने का साग खाइए कब्जियत पैदा कर देगा, चने का साग कब्जियत को जन्म दे देता है, इसलिए उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और याद रखना,
तंद्रा, दूसरी चीज जिनको तंद्रा आती है, जम्हाई आती है, ऊंग आती है, नींद नहीं ऊंग। ऊंग और नींद में अंतर है। ऊंघना किसे कहते हैं? जैसे बैठे हैं फिर आंखें खोल दिया फिर झुके, ये ऊंघना है, ऊंघ जाना। जिनकी ऊंघने की आदत है उनका विकास भी रुक जाता है, क्योंकि वे न ठीक से जागते हैं न ठीक से सोते हैं, इसलिए ऊंघते हैं। और जो ठीक से सो नहीं सकता है वो ठीक से जाग भी नहीं सकता है, और जो ठीक से जाग नहीं सकता है वो ठीक से सो नहीं सकता है, और जिसका सोना जागना ठीक नहीं है, याद रखना उसकी जिंदगी का कोई काम ठीक से हो नहीं सकता है, ठीक से हो नहीं सकता है। इसलिए ठीक से सोना चाहिए। दस हजार वर्ष पहले वेद ऋषियों ने बहुत बड़ी बात कही थी, वो बात मैं आज कह देता हूं। वेद ऋषियों ने कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, खाने के समय सिर्फ खाइए, बात करने के समय सिर्फ बात कीजिए, काम के समय सिर्फ काम कीजिए। तो वेद ऋषि कहता है कभी तुम असफल नहीं होगे, सुखी रहोगे। सोते समय सोचिए मत ज्यादा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बहुत सोच चुके हो, बहुत टेंशन कर चुके हो, बहुत चिंता कर चुके हो, अब थोड़ा सा निश्चिंत भी रहिए, शांति से रहिए। शुगर फैक्ट्री का जनरल मैनेजर मेरे आश्रम आया, मैं उसको प्रवचन सुनाया। उस दिन मैं हास्यरस का प्रवचन कर रहा था, तो कमरे में सुन रहा था, तो सुन सुनकर वो लौट जाता था। बहुत बड़ा अफसर था, उसके अंडर में 10,000 कर्मचारी काम करते, शुगर फैक्ट्री का मालिक, मैनेजर, जनरल मैनेजर। फिर वो बोला एक मिनट बाद आऊं करते, तो बाहर गया, मोबाइल से बात किया, वो आया तो बोले काम सब हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले लड़का दिल्ली में कंपटीशन दिया था, पूरा फेल हो गया। बोले प्रवचन ही हाथ में लगा, बाकी सब निपट गए। तो हमने कहा फिर भी हंसते हो? बोले प्रवचन ना सुना होता तो टेंशन होती, और प्रवचन सुन लिया तो हंसी आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, फेल हो गया। प्रवचन तुम्हारी हार होने पर भी तुमको दुखी होने से बचाता है, ये सत्संग का ज्ञान नुकसान होने पर भी तुमको परेशान होने से बचाता है, और ये सत्संग का बोध तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी डिस्टर्ब हुआ है फिर भी तुमको डिस्टर्ब होने से बचाता है। इसलिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। सब गाइए, कौन नहीं गा रहा है, उसका क्या नाम है, सब गाइए। माताएं ज्यादा गा रही, पुरुष कम गा रहे हैं, पुरुष इतना ढीला ढाला है, पुरुषों में कमजोरी बहुत है। देखो इधर से आवाज आ रही, इधर से इनकी क्या आवाज है।